ये हेडफोन से न्यू हेडफोन में चेंज करते हैं, देखते हैं, ट्राई आउट करते हैं। ये है बोट रॉक्स 370। अभी देखते हैं इस पैकेजिंग के अंदर। मैं अभी इस हेडफोन को कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हूँ। अभी सील ब्रेक करते हुए बहुत अच्छा सील पैकेज किया गया है, नाइस। एंड ये वो मेरा नाखून कटे होने की वजह से मैं निकालने में तकलीफ हो रही है। ठीक है, देखते हैं, निकल जाएगा अभी। और ये निकल गया लगभग। ओ आजा अभी, जल्दी आ। हाँ हो गया, एक बार निकल गया। अभी साइड में लगा देते हैं और बाकी का भी निकाल देते हैं। अभी देखते हैं खोल के। अब हाँ, अभी खुल गया प्लास्टिक। चलिए अभी दूसरे साइड का हटाते हैं। अब इसको बाजू में रखते हैं। अब इसके बॉक्स कंटेंट्स के अंदर देखते हैं क्या क्या है। पहला हेडफोन तो है ही ऑफकोर्स। इसको बाजू में रखते हुए हम अभी देखते हैं बाकी के मटेरियल्स क्या क्या है। एक पैकेट दिया गया है, उसमें शायद कुछ तो डॉक्यूमेंट्स है। देखते ओपन करते हैं, अभी देखते क्या क्या मिलता है। ये शायद आई गेस हाँ, एक कार्ड जिसमें 1 ईयर की वारंटी सर्विस प्रोवाइड की गई है बोट के तरफ से। और ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं खुद से परचेस करके आपको बता रहा हूँ और रिव्यू दे रहा हूँ। ये है मैनुअल, ये बोट रॉक्स 370 को यूज़ कैसे करते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो कोई नहीं पढ़ता, आपको बस बताने के लिए बता रहे। पैम्पलेट्स जो भी है साइड में रखते हुए, बहुत अच्छा है। मगर नेक्स्ट क्या है, ये स्टिकर है, बोट का स्टिकर। आप कमेंट्स में बताएं क्या ये बोट स्टिकर आप यूज़ करते हो कहाँ पे, अगर आप कोई भी बोट का प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो। मैं तो कहीं नहीं यूज़ किया हुआ अब तक। नेक्स्ट जो है, ये दो केबल है कुछ, एक तो ऑक्स केबल है वायर्ड के साथ गाने सुनने के लिए या ऑडियो सुनने के लिए, और ये चार्जिंग के लिए। हाँ ये ब्लूटूथ सपोर्टेड है, बहुत अच्छा है। कौन सा लिया है, USB है आई गेस, माइक्रो USB एस, हाँ माइक्रो USB है। टाइप ए से माइक्रो USB, टाइप सी होता तो अच्छा होता। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं हेडफोन के कंटेंट्स को, हेडफोन में क्या क्या है। ओ नाइस, अच्छा पैकेजिंग है। ओ अभी देखते हैं, इसको भी खोलते हैं। ओ नाइस, अच्छा से टाइटली पैक्ड है। ये क्या, ये है जिप्सा है, ये क्या है। अरे आई गेस गाइस, मेरे को लगता है ये पैकेजिंग के वजह से आई गेस कुछ तो इसके कुशन ओपन हुआ लगता है। हाँ वेट वेट वेट, ओपन हुआ लगता है, देखते हैं। ओपन कर लिया और हाँ यस, ये हेडफोन का इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जो है वो ओपन हुआ है। हाँ यस, अच्छे से पैकिंग तो है बट कुशन उसका सॉफ्टनेस जो है वो ओपन है। चलिए हम अभी देखते हैं ऐसा क्यों है। Later that same evening. अभी देखते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं फिक्स करने के लिए। अब बने रहिए 4-5 मिनट तो मेरे को लगेगा, तब तक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आखिरकार मेरा हेडफोन का ये कुशन वाला एरिया ठीक हो गया है, सॉफ्ट कुशन जो ईयर में बहुत अच्छा फिटिंग होता है इसके वजह से। अब इसको घुमा के देखते हैं, हाँ प्रॉपर हो गया है। इस साइड से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वीडियो के एंड तक, आप बने रहिए, एंड तक वॉच कीजिए। आपको मैं एक्सपीरियंस भी बताऊंगा हेडफोन का कैसा है, क्या लेना चाहिए कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं जो प्राइस पॉइंट में मिलता है। तो हाँ एंड तक बनी रहे। और इसका जो ये है जो एक्सटेंडर, ये भी ठीक ही है बट हाँ इतना एक्सटेंड, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता, इतना एक्सटेंड होता है। अगर आपका हेड थोड़ा सा बड़ा है तो यस माइट भी आपको छोटा पड़ सकता है। और हाँ ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है ये, इसको फोल्ड करके आप लेके जा सकते हो कहीं ना कहीं। तो हाँ बहुत अच्छा है, फिटिंग तो है, कुशन बहुत सॉफ्ट तो है, वर्थ इट तो है जो प्राइस पॉइंट में मैं लिया हूँ। और मेरे बाकी भी बोट्स के हेडफोन्स है, जैसा ये बोट रॉक्स है 400 और एक है 333 प्रो जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसके बारे में आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक मैं इसको अभी हटा देता हूँ। और आप कमेंट कर सकते हैं आपको अगर रिव्यू जानना है 340
370 और 400 के बीच। अभी चलिए देख लेते हैं कैसे मैंने इसको फिक्स किया। अगर आपने हेडफोन लिया है तो आप इस प्रकार से इसको ऐसे खींच के आप इसे घुमाते रहिए और इसको खींचते रहिए, एट द एंड वो ठीक हो जाता है। आखिरकार मैं इसका एक्सपीरियंस में बोलूँ तो मैं अभी तक ये हेडफोन को 5 to 6 months यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आप जिस अभी ऑडियो को सुन रहे हो इसी हेडफोन से रिकॉर्ड और एडिट किया गया है, तो आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि ये हेडफोन कैसा होगा। मेरे लिए तो वर्थ इट है जिस प्राइस में मैं लिया हूँ, यह अंडर 1000 के अंदर आया है ड्यूरिंग सेल। आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे दोनों जगह पे मिलता है। मैं बेस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बाय करने के लिए। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।